रीज़न पता है आपको? नहीं, ये वीडियो ज़रूर देखिए, मैं आपको ज़रूर बताता हूँ कि वो रीज़न है क्या। देखिए, अक्सर लोग गलती करते हैं जब उन्हें मौका मिलता है यानी कि फाइट के अंदर, और वो मौका आप मिस कर देते हो तो वहाँ पर ही वो मैच आप हार जाते हो। और वो रीज़न क्या है आपको मैं बता देता हूँ। जैसे सामने वाला बंदा फाइट पोजीशन में है इस तरीके से, और आपको मौका मिला है, आपने वो मौका गवा दिया, वो मौका क्या है ये वीडियो में आप देखिए। और जब प्रैक्टिस वगैरह करते हो उसमें ज़रूर प्रैक्टिस करिए, ताकि वो जो मिस गाइड आप कर देते हो मैच के टाइम वो ना करे। जैसे सामने वाला बंदा फाइट पोजीशन में इस तरीके से है और मुझे फेस ओपन मिला है इस तरीके से, अब मैंने वन पंच किया और वहाँ से निकल गया, मुझे मौका मिला है, आप उस मौके का फ़ायदा नहीं उठा रहे हो, वन पंच कर रहे हो इस तरीके से और दूसरा पंच कर रहे हो और फिर वहाँ से निकल जा रहे हो। आप देखो, अगर सामने वाले बंदे को आप पंच वगैरह करते हो इस तरीके से और वो आप पे काउंटर अटैक नहीं कर रहा है, तो सोचिए वो मौका आपको मिला है मैच जीतने का, आप उसे गवाइए मत। मैं आपको बता रहा हूँ एक बार और करके, देखिए सामने वाला बंदा फाइट पोजीशन में, मुझे मौका मिला है, मैं यहाँ पर पंच किया हूँ, फिर मैंने पंच किया हूँ, सामने वाले बंदे मेरे पे कोई अटैक नहीं कर रहा है, मैं पंच पंच पाँच 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 इस तरीके से मैं करे जा रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो जब आप इस तरीके से कंटिन्यू सामने वाले पे पंच वगैरह करोगे तो सामने वाला आप पे भारी नहीं पड़ेगा, यहाँ तक कि वो रेफरी आपको देखेगा, आप फाइव पंच सिक्स पंच सेवन पंच पे आप चले जा रहे हो तो मैच आपको रोक देगा, आपको वहाँ पर विनर घोषित कर देगा। रीज़न यही है कि सामने वाला आप पे काउंटर अटैक नहीं कर रहा है, वो हारने के उस पर चला गया है, और आपने वो मौका गवा दिया यानी कि आपने छोड़ दिया, तो समझो आप फिर लंबी मैच खेलोगे। वो रीज़न इसके लिए कि आप लंबी मैच खेलने चले जाते हो, जब 3 मिनट की मैच खेलते हो 5 मिनट की मैच खेलते हो और आपके बॉडी में इतना स्टैमिना नहीं है, और आपको वो स्टैमिना के अंदर मौका मिला है यानी कि आप वो पोजीशन आपको मिल चुका है मैच जीतने का, आप उसी को गवा देते हो तो वहाँ पर आप मैच हार जाते हो। मैं एक बार आपको करके फटाक से बता देता हूँ। देखिए, मुझे मौका, मैं फाइट पोजीशन में हूँ और मुझे मौका मिल गया, 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर मैं कर रहा हूँ क्योंकि सामने वाले ने कोई हरकत नहीं की है, तो ये मैं मैच यहाँ पर जीत रहा हूँ। और आपने उसको मिसगाइड किया यानी कि मैच आप हार गए। अगर आपको ये पता नहीं है तो प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर देखिए, ताकि ये वीडियो देख के आप अच्छे से सीखिए, ताकि आप जब मैच खेलते हो टूर्नामेंट खेलते हो तो आपको बहुत काम की चीज़ है। और आपको कोई प्रॉब्लम मैच में होती है, मैच खेलने में टूर्नामेंट में होती है, आपको किसी तरह की दिक्कत या प्रॉब्लम है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि वो तकलीफ है क्या जिससे आप मैच आसानी से जीत सकते हो। और मैं बहुत सारे वीडियोस बना के आपके लिए डालते रहूँगा, लेकिन दोस्तों प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा देना, ताकि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ डायरेक्ट आप तक पहुँच सके। दोस्तों हमेशा एक चीज़ याद रखना कि मैं हमेशा जब वीडियो बनाता हूँ तो उसमें ज़रूर बोलता हूँ कि कमज़ोर के साथ प्रैक्टिस नहीं करना है, प्लीज़ उससे इंजरी होती है, काफ़ी इंजरी होती है, और वो इंजरी लाइफ टाइम जीवन हमारा ख़राब कर देती है। हमेशा प्रैक्टिस अपने अच्छे फाइटर के साथ करिए, अच्छे जोड़ीदार के साथ करिए, जो आपके साथ मैच खेलता है टूर्नामेंट खेलता हो, जो प्रैक्टिस किया हुआ बंदा है उसी के साथ ही प्रैक्टिस करिए, ना ही नए बंदे के साथ, ना किसी के साथ जोर आजमाइश करिए, ताकि उसे भी इंजरी हो जाए और उसी ने कुछ गलत कर दिया तो आपको भी इंजरी हो जाए। और इसी के साथ मैं बोलता हूँ, मोहम्मद कैफ के साथ मिलते हैं।